सोमवार रात एक महिला चलती बस से कूद गई। महिला को गंभीर हालत में उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से MY हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। महिला चलती बस से क्यों कूदी, फिलहाल इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। घटना राऊ थाना क्षेत्र के बाईपास की है। यहाँ इंदौर से उत्तर प्रदेश जा रही बस से एक महिला कूद गई। महिला को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल और फिर MY हॉस्पिटल लाया गया। महिला की पहचान उषा देवी 35 साल के रूप में हुई है। महिला अपने पति के साथ जा रही थी तभी खिड़की से कूद गई। बताया जा रहा है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। महिला चलती बस से क्यों कूदी, फिलहाल इसकी वजह साफ नहीं हो सकी है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। क्यों कूद गई? मानसिक बीमारी। अच्छा, पागल हो। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम बड़ौदा से जा रहे थे। कूद गई चलती बस में। स्लीपर में लेकिन बैठी थी, खड़ा करके कूद गई। ठीक, क्या नाम है उनका? उनका नाम उषा। ठीक, उषा देवी। ये महिला बाईपास में एक बस में जा रहे थे और ये अचानक बस से नीचे कूद गए। इनके घर वाले बता रहे हैं कि इनकी मानसिक स्थिति ख़राब है और पेशेंट का नाम है उषा देवी, इनके पति का नाम है मुन्ना सिंह, ये यूपी के रहने वाले हैं और चलती बस से एक लेडीज़ कूदी है तो इनके सिर पर गंभीर चोट आई हुई है और उसके बाद इनके लेफ्ट साइड कंधे में भी काफ़ी चोट है। क्या बताया कि मानसिक डिप्रेशन वगैरह की रही शिकार पेशेंट। इसी कारण से ये अपने इंदौर से यूपी साइड जा रहे थे तो मतलब खिड़की में से कूदी बता रहे हैं।